अभी फिलहाल रुपया यहाँ पर 75 रुपये 70 पैसे के पास है और आने वाले समय में रुपए में वीकनेस फिर से बढ़ सकती है। हालांकि यहाँ पर आरबीआई के पास रिजर्व एफएक्स रिजर्व 371 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, लेकिन हाल फिलहाल में वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे समय पे रुपए में थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ेगी और बहुत जल्द रुपया 76 रुपये 50 पैसे के पास डॉलर के अगेंस्ट में जा सकता है। तो आपको इस हफ्ते की जो रणनीति बनानी है उसमें आपको रुपया 75 रुपये से 75 रुपये 50 पैसे के बीच में बाय करके चलना है, क्योंकि अपसाइड का टारगेट इसका करीब 76 रुपये से 76 रुपये 50 पैसे तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि इस समय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फिगर को देखना ना इस समय अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत में जो फंडामेंटल हैं वो भले स्ट्रांग हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं या वॉलेटिलिटी हाई है, उसकी वजह से रुपी में काफ़ी हद तक उतार और चढ़ाव चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ होगी और इसकी वजह से रुपया थोड़ा वीक होता हुआ नज़र आएगा।